Then he said, like, you know, when he made affordable from a 40 rupees bottle to 10 rupees bottle, the one thing which came in my mind was Jio. So in a way, like, you know, he's Mukesh Ambani of Nizamabad. Before I call upon Mr. Haresh Kumar Mehta, I would like to give a brief introduction about him. He is the chairman and founder of Koinor Textile Company, and they work with about 4,000 retailers across India, and they are also into exports. They export their textile product to Indonesia, Hong Kong and Africa. Mr. Mehta started from a very humble thing and worked his way up, and he is now considered as a guru in the field of textile marketing. Mr. Mehta is also an advisor to some of the top textile companies in India, and he also runs a charitable hospital in his own town, Sarvamangala, Gujarat. So I now request Mr. Haresh Kumar Mehta to please come up and share his story. मैं हिंदी में बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा, वो सब लोग समझ पाएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार की आवाज़ में बहुत दम होना चाहिए, हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारी वैसे ही आवाज़ बुलंद होती है, क्यों दबी आवाज़ में बात करें किसी से? नमस्कार! ये हुई नंबर। मुझे जो ब्रीफ दी गई है, उसके अनुसार मैं कुछ बातें करूँगा आपसे। उसमें छोटी छोटी बातें छोटी छोटी होती। सबसे पहले मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं क्यों किसी के सामने भाषण कर सकता हूं, मुझे क्यों करना चाहिए, मेरे में क्या ऐसी ऑथोरिटी है, मेरे में क्या ऐसी बात है कि मैं 50 लोगों का 2 घंटा 3 घंटा वक्त लूं, मैं खुद इतना ट्रैवल करूं और सबका पैसा समय सब इन्वेस्ट करे, तो क्यों? लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद ये श्रृंखला शुरू की जिसका नाम था सफलता के 7 मंत्र। बेसिकली वो मैं क्या करता हूँ कि महीने में 2 बार किसी टाउन में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, वहाँ रिटेल के सेल्समैन को बुलाता हूँ और वो रिटेल के सेल्समैन मेरे सामने बैठते हैं, 150-200 शहर के, कोई भी ना सिर्फ कपड़े वाले नहीं, कोई भी लाइन के रिटेल के सेल्समैन होते हैं, उनको मैं बैठाता हूँ और उनसे मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बातें करता हूँ। और मैंने देखा 4-5 सेशन के बाद मैंने सर्वे किया कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा सुधार आया। 100% सुधार तो हम कभी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, एक 10-20% थोड़ा सा फर्क, इफ यू कैन मेक लिटिल डिफरेंट इन समवन लाइफ्स इज ऑलवेज बेटर। तो ऐसा सोच के मैंने वो प्रोग्राम किया, फिर मैंने सर्वे किया तो मैं करीबन 25-30 वर्कशॉप कर चुका हूँ सफलता के 7 मंत्र। उसमें क्योंकि मैं खुद एक रिटेल का सेल्समैन था, मैंने कपड़े की दुकान में, जैसे सुल्तान यहाँ पे दुकान है जो मेरे कस्टमर है और मेरे अजीज है, वैसी दुकान में मैं सेल्समैन था, पहले तो प्यून था फिर सेल्समैन बना। तो मुझे वो 4 साल जो मैंने रिटेल में काम किया उसके जो एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों में बांटता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी ऑडियंस डिफरेंट है, मैं समझता हूँ कि मेरी जो कहानी है वो कहानी से ही सारी चीजें जुड़ेगी। तो मुझे कितना वक्त कितना बोलना है, कितना समय? 45 मिनट। तो मैं कुछ लाइफ स्टोरी ऐसी बताऊंगा जिससे आपको उसमें से कुछ चीजें मिले। मेरा मेन मुद्दा है छोटी छोटी बातें को इतनी अहमियत मिलती है लाइफ में कि वो अगर आप सोचो तो छोटी बातें कितनी बड़ी हो जाती है। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सपना, मतलब ख्वाब। आप हर आदमी ने ख्वाब देखना चाहिए, अगर आप ख्वाब ही नहीं देखोगे तो आपको क्या पता आपको क्या करना है, कैसे करोगे। और ख्वाब देख के 2 टाइप के आदमी होते हैं, एक ख्वाब देख के सो जाते हैं और दूसरा होता है ख्वाब के लिए वो सो ही नहीं सकते। मैं दूसरे वाला हूं, मैंने ख्वाब देखे फिर मैं चैन से सोया नहीं, उसके पीछे मैं बराबर लग गया, जब जाके मैं आपके सामने खड़ा होने का काबिल हूँ। अब मैंने क्या ख्वाब देखा होगा, मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। छोटे बचपन में कुदरत के करिश्मा ऐसे है
कि मुझे 4 साल की उम्र से सब याद है, मुझे बचपन पूरा याद है, नहीं तो 4 साल 5 साल की उम्र में लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन मुझे सब याद है। मुझे याद है कि मैं जब 4 साल का था नर्सरी में जाता था, हमारे गांव में बाल मंदिर घुसते थे, हम बहुत गरीब कुटुंब से थे, तो पड़ोस की लेडीज जो होती थी शाम को गोदी में बैठा के गाना मेरे से गवाते थे। वो गानों का शौक मुझे कितना काम आया वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर ख्वाब देखना शुरू किया, फिर एक बार पतंग की सीजन आई, जो संक्रांत होती है ना, आप लोगों में जो भी बोलते हैं वो पतंग, हमारे गुजरात में पतंग बहुत चलाते हैं, तो बच्चों को शौक रहता है। उस समय में 12 पतंग और 1 फिरकी धागे की 1 रुपए में मिलती थी, लेकिन हम लोग इतने गरीब थे कि वो पतंग ले नहीं सकते थे, देख सकते थे दूसरे की पतंग टकी हुई। तो मैं सोचता था कि मुझे आज कहीं से 1 रुपया मिल जाए तो मैं उसमें से 12 पतंग और 1 फिरकी ले सकूं। मैं आपसे कबूल करना चाहूंगा कि रुपया मुझे मिला नहीं, मैंने वो रुपया कमाया। रुपया कभी मिलता नहीं है, आपको कमाना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रिंसिपल जिंदगी का यह है। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला गया, फैमिली बहुत पुअर थी। मुझे याद है कि मैं 3री कक्षा में आया तो हमारे यहाँ वक्तृत्व स्पर्धा शुरू हुई। वक्तृत्व स्पर्धा में क्या होता था कि एक 6 सब्जेक्ट की चिट्ठी डाली जाती थी और जो पार्टिसिपेंट है उनको बोला जाता था कि आप एक चिट्ठी निकालो और जो सब्जेक्ट आपके किस्मत में आवे उसके ऊपर आप 20 मिनट बोल लो। मुझे बिल्कुल डर उस वक्त नहीं था, आज भी नहीं है। मैं चिट्ठी निकाल के उस सब्जेक्ट में मैं 20 मिनट बोलता था और मैं कभी भी अव्वल दर्जे आता था वक्तृत्व स्पर्धा में। ये वक्तृत्व की स्पर्धा होती है, बोलने की जो कला होती है वो दुनिया में कहीं पे भी काम आता है। भाषा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप इंग्लिश में बात करते थे, आप सब बातें कर रहे थे, समझ रहे थे, मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ, मैं थोड़ी बहुत बात भी कर सकता हूँ, लेकिन जितना फ्लुएंस में हिंदी में बात करके आपको मेरी बात समझा सकता हूँ इतना शायद मैं इंग्लिश में नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कॉलेज कभी गया नहीं, मैंने बाकायदा इंग्लिश कभी नहीं सीखी, लेकिन मेरी ड्राफ्टिंग जो है वो पूरी इंडस्ट्रीज में आप फेमस है, इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग मैं कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ माई रीडिंग एंड एक्सपीरियंस, अच्छी बोल भी लेता हूँ। अब मैं वापस वो जगह पे आऊँ कि वक्तृत्व स्पर्धा से मुझे क्या फायदे हुए। बहुत गरीब थे हम लोग, गाँव में जैसे तैसे हमारा गुजारा होता था। 16 साल तक पहुँच गया मैं मैट्रिक का एग्जाम, हमारे यहाँ मैट्रिक होता था 11वीं, मैट्रिक का एग्जाम दिया, वो उसके तुरंत बाद मुझे बम्बे भेज दिया गया। हमारा गांव बहुत छोटा, 10,000 की बस्ती का गांव था उस समय, आज हमारी बस्ती 60-70,000 है। तो मुझे मामा के यहाँ पे बम्बे भेज दिया गया। हमारे मामा एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाले आदमी थे, उनके पास रहने का घर था, तो मुझे बताया गया मेरे फादर ने कि भाई मामा के घर जाओ, वो आपको नौकरी दिला देंगे और अपने घर में रखेंगे। तो मुझे सबसे पहली नौकरी मिली 65 रुपया महीना, 65 रुपीज, मैं 1969 की बात कर रहा हूँ। वो मेरी जो ऑफिस थी वो 7वें माले पे ऑफिस थी और मेरी उम्र 16 साल, बम्बई कभी देखा नहीं था, मुझे हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ हमारी जो मदर टंग थी गुजराती जो गाँव में चलती थी वही मुझे आती थी। तो मैं वो नौकरी पे गया, 2-3 दिन काम कुछ नहीं समझ में आता था, वो जो मुनीम था वो बेचारा जो बोलता था झाड़ू मारो पोछा मारो चाय लेके आओ नाश्ता लेके आओ ऐसे ही काम करता था। 3रे दिन क्या हुआ कि शाम को 7 बजे लिफ्ट बंद हो जाती थी वो बिल्डिंग में, कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, कालबदी में बहुत फेमस बिल्डिंग है, वो 7वें माले पर ऑफिस थी। तो मुझे मुनीम ने बोला कि चाय लेके आओ, मैं नीचे गया चाय लेके आया, उसने चाय पिया ठंडी हो गई, बाजी बह की 7 माला चढ़ू जब तक तो ठंडी होना ही होना है, दूसरे लेके आओ। मैं वापस गया, वापस चाय लेके आया, इतना थक गया कि मैं रात को 9 बजे मामा के घर, हमारी नानी माँ वहाँ पे होती थी, उनकी गोदी में रोया कि मैं कल से नौकरी नहीं जाऊँगा। माँ तो माँ होती है, वो बोलते कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन सवेरे मामा ने बोला कि भैया मेरी तो एक ही पहचान थी, अब तुम्हारा रेलवे का पास बोरीवली टू चर्च के 31 मार्च तक का है, तुम खुद नौकरी ढूंढ लो नहीं तो गांव चले जाओ। अब इतने बड़े बम्बे में मैट्रिक पास इंसान, मैट्रिक का परीक्षा दिया था रिजल्ट नहीं आया था, 16 साल की उम्र 45 साल का वजन, ना हिंदी ना इंग्लिश, कोई जाने नहीं कोई पहचाने नहीं, किसको बोलो कि मुझे नौकरी दो। लेकिन
अगेन ख्वाब। गाने का शौक था तो मैं चर्चगेट स्टेशन उतरता था, रेलवे का पास फ्री था और कितनी भी बार रेलवे में आओ जाओ मैं बोरीवली टू चर्चगेट, चर्चगेट टू बोरीवली दो चक्कर मारता था। वहाँ पे नरीमन पॉइंट करके एक जगह है, वहाँ बैठता था और ख्वाब देखता था कि कोई फिल्म का प्रोड्यूसर आएगा और मुझे गाने के लिए लेके जाएगा, ऐसा मैं ख्वाब देखता था। देखिए आगे ये भी बात आएगी कि ये ख्वाब मुझे कहाँ काम आया। हुआ कुछ नहीं, कोई आया नहीं। करीबन 28 मार्च थी, 3 दिन बम्बई जाने में बाकी थे। अभी अपॉर्चुनिटी की बात आती है, कुदरत सबको एक अपॉर्चुनिटी देती है, आपको भी देगी, सबको दिया होगा। हमारे में कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी के आगे बाल होते हैं, पीछे डाल होते हैं। मतलब अगर आगे से पकड़ लो तो बाल हाथ में आ जाते हैं, नहीं तो पीछे मेरे जैसे डाल हो तो कुछ हाथ में नहीं आता। ये अपॉर्चुनिटी सबके लाइफ में आती है। अब 28 मार्च को मैं करीबन 2 बजे चर्चगेट से निकला और सामने इरोस नाम का थिएटर आज भी है। उस समय बीच में ओवर ब्रिज नहीं था तो चर्चगेट से निकलो तो इरोस सिनेमा क्लियर कर दिखता था। तो मैंने देखा बहुत भीड़ थी वहां पर, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या है, टाइम पास ही करना है। मैं गया, इसको पूछा कि भाई इतनी भीड़ क्यों है। एक समर ऑफ 42 नाम की इंग्लिश फिल्म लगी थी, किसी को पूछा तो बोले अभी यहाँ पे देवानंद आने वाले। मतलब बढ़िया है, देवानंद देखेंगे, गाँव तो वापस जाना ही है, कम से कम लोगों को बोलेंगे कि हमने देवानंद देख क्या है। मैं खड़ा रह गया साइड में। जैसे ही देवानंद साहब की गाड़ी आई, पुलिस वाले ने धक्के मार के थोड़े दूर भगा दिया, तो मैं भी दूर भग गया। देवानंद जी देखने को नहीं मिले, लेकिन ये मुझे कुदरत ने एक अपॉर्चुनिटी दिया। मैं जहाँ पे खड़ा था वहां सामने एक टेक्सटाइल का शोरूम दिखा, वो कपड़े की दुकान का नाम था राम एम्पोरियम। तो मैंने तो कहा चलो कपड़े की दुकान ही देखते हैं, शो विंडो देखते हैं। रोड क्रॉस किया, शो विंडो सी थ्रू था, कपड़े के अंदर काउंटर दिखते थे, एक आदमी देखा मैंने। मैंने सोचा ये आदमी को मैं जानता हूँ, मुझे बहुत याद नहीं आया कि कैसे जानता हूँ। बाद में पता चला मेरे बड़े भाई के साथ वो पढ़ता था स्कूल में, तो मैं उसको मिलने अंदर चला गया। ऐसे ही बातचीत कर रहा था तो सरदार जी केश काउंटर पे बैठे थे, वो सेठ थे। उस समय केश काउंटर पे सेठ लोग ही बैठते थे। मैंने जिंदगी का पहला सरदार देखा होगा, मैंने सरदार कभी नहीं देखा, हमारे गांव में कहाँ सरदार होता है। तो मुझे उसने उस सेल्समैन को बुलाया, उसका नाम भरत था। बोले कौन है? बोले साहब हमारे गांव से आया, बुला उसको, मुझे बुलाया, मैं डर गया। बोला हाँ साहब, क्या करते हो? मतलब कुछ नहीं करता। काम करोगे? हाँ साहब, 150 रुपया मिलेगा। मैं सोच में पड़ गया, 65 रुपया की नौकरी मैं कर नहीं सका और ये सरदार जी मुझे बोलते हैं कपड़े की दुकान में काम करो, 150 रुपया पगार मिलेगा। वहां पर ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने बात सच्ची करी। मैंने बस मैं बोला सर जी मुझे कुछ आता नहीं है, जैसी हिंदी मुझे आती थी वैसे मैं बात किया, मुझे ये कपड़ा, ये बेडशीट, ये टावल, ये शूटिंग, ये शर्टिंग मुझे कुछ नहीं समझता है। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी शक्ल हस्ती है, तुम कल सवेरे 10:30 बजे आ जाओ, हम तुमको सिखा देंगे। ये मेरी सच्चाई उनको छू गई और कुदरत ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। वो अपॉर्चुनिटी से आज तक मैं कपड़े का ही काम कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कपड़ा छोड़कर कोई काम नहीं किया। मैंने 5-2 साल वहाँ काम किया, फिर थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं 400 रुपया पगार में एक बड़ी कंपनी में गया। अभी देखिए मेहनत, अभी मैं मेहनत की बात करूंगा कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैं कोलाबा नाम का एक एरिया है, वहाँ बॉम्बे डाइंग का कंपनी का शोरूम है, वो शोरूम में मैं नौकरी करता था जैसे सेल्समैन। तो वहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का डेनियम, जिसको आप जींस बोलते हैं, जींस का कपड़ा उस समय नया नया आया था और बड़े बड़े रोल आते थे, 100-100 मीटर के बहुत हेवी रोल आते थे। वो हमारी दुकान ने, कंपनी ने मिल से 5,000 मीटर का पूरा लॉट ले लिया, 5,000 मीटर की थप्पी लग गई और कपड़ा इतना बढ़िया था कि लोग तुरंत ले लेते थे और आजू बाजू के टेलर्स 100-100 मीटर के रोल डिटेल के भाव में लेके जाते थे। वो डिपार्टमेंट मेरे पास था। एक दिन सवेरे 10:30 बजे मैं ताका माप रहा था, 100 मीटर का ताका बहुत हेवी होता है, पसीने पसीने होए जा रहा था। उसमें सेठ आए, बोले बेटे तेरा 100 मीटर का ताका बिकता है तो तू मापता क्यों है? बोले साहब ऐसा नहीं है, इसमें से मैं 25-25 के 4 टुकड़े करूंगा तो 10 मीटर बढ़ेगा। बोले पागल हो गया, ऐसा कैसे होगा? बोले साहब आप बैठे, मैं भी दिखाता हूँ। उनके सामने एक ताका लिया रोल पूरा,
और उनके सामने मैंने 25-25 मीटर के चार टुकड़े किए और 10 मीटर बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि मिल जो है एक्सपोर्ट में थोड़ा कपड़ा ज्यादा देती थी और वो ब्रश टेनियम था तो थोड़ा खींचता था, तो ऐसे 10 मीटर बढ़ा। सेठ के दिमाग में ये आ गया कि लड़का मेहनतू है, दिमाग वाला है। चौथे दिन उनको बॉम्बे डैम की डिस्ट्रीब्यूशन शिप मिली पूना में डेपो खोलने का। मुझे बुलाया गया कि पूना जाओगे? बोले सब जाऊंगा। बोले 3 महीना रहना है, यहाँ से 2 जने जाएंगे। 100 जने की स्टाफ में से सिर्फ 2 को पसंद किया गया, एक मेरे से बहुत पुराना था, एक मुझे पसंद किया गया क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा। मैंने क्या गणित गिना, मैं बोला यहाँ पे मेरी 400 रुपया पगार है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है, किसी को 5,500 रुपया देना बाकी है। मैं 3 महीना पुणे जाऊंगा, मुझे वहाँ पे पूरा सैलरी यहाँ घर पे आएगा, मेरा खर्चा उधर कंपनी देगी, तो जो 5,500 रुपया किसी का देना है उतना मेरा कम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन से मैं पुणे गया, लेकिन अगेन मेहनत और ईमानदारी वहाँ पे भी रंग दिखाया। मैं वहाँ पे काम करता था, 2 महीना हो गया, सब सेल्समैन को ट्रेनिंग कर दिया। एक पारसी मैनेजर आया, कॉम्पिटेंट पारसी कंपनी है, तो पारसी मैनेजर आया, उसने मेरा काम देखा और हमारे जो सेठ जैन साहब थे उनको बोला, जैन साहब ये लड़के को आप बम्बई वापस नहीं भेजना, यही लड़के में दम है, बाकी आपके सब लल्लू है। जैन साहब ने मुझे बुलाया, बोले बेटे यहाँ रहेगा? रहूंगा सर। मुझे एक घर दिला दिया और मैंने वहां 3 साल निकाला। 3 साल निकालने के बाद मैंने पूरे महाराष्ट्र के सारे गांव देख लिए, सारे के सारे रिटेलर से मेरी मुलाकात हो गई और होलसेल क्या बिजनेस है वो मैंने समझ लिया। लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। देखिए कुदरत जो है वो आपको सब चीज सिखाती है। अब मैं खुन्नस की बात करूंगा, खुन्नस मतलब किसी के प्रति नहीं, अपने आप के प्रति कोई चीज ठान लेना, उसको खुन्नस बोलते हैं। दुनिया में प्रोग्रेस कभी भी खुन्नस से होता है। तो एक बार कोई एक पार्टी ठान ले कि 60 साल से एक ही पार्टी इंडिया में रूल कर रही है, हमको अभी रूल करने का है, वो ठान लेंगे तो 342 सीट लेके आ जाएंगे। ये अपने सामने का कितने जनों से लड़ते हैं। वो ऐसा कि मेरी शादी नक्की हुई, शादी नक्की हुई, मैंने पिताजी को पूछा, पिताजी रुपये कितने लगेंगे? बोले 2,000 रुपये। गरीब लोग थे हम लोग, कोई बहुत पैसे वाले तो थे नहीं, मेरी 400 रुपया 500 रुपया पगार थी। बोले 2,000 रुपये में शादी हो जाएगी। मैंने ठीक है। मैं ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे जो सेठ है वो मुझे 2,000 रुपये लोन दे ही देंगे। तो मैंने शादी के 15 दिन पहले बोला, जैन साहब मुझे 2,000 रुपये चाहिए शादी के लिए। बोले बेटे हमारे यहाँ लोन का तो सिस्टम ही नहीं है, एकदम से मना कर दिया। आई वाज सो कॉन्फिडेंस कि मैं इतना अच्छा सेल्समैन हूँ, मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी खुद की शादी में मुझे 2,000 रुपये लोन नहीं देंगे? नहीं दिया। मैंने यार दोस्तों से ले करके शादी की, जैसे तैसे बहुत गरीबी में शादी करी मैंने, हो गया शादी हो गया। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं अब नौकरी ज्यादा नहीं करूंगा। देखिए ये खुन्नस हुई, एक टर्न आया लाइफ में। हो सकता है कि वो 2,000 रुपया मुझे लोन दे देते तो आज मैं शायद 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपये का सैलरी का आदमी होता, मैनेजर होता, आज मैं बिजनेसमैन नहीं होता। तो मैं फिराक में था कि मैं कोई ना कोई व्यापार करूंगा, और उतने में मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि मैं बम्बई वापस आ गया पूना से, और मैंने एजेंसी कमीशन का काम शुरू किया, और धीरे धीरे एजेंसी से लेकर ट्रेडिंग में आया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आया, फिर एक्सपोर्ट में आया। बहुत लंबी कहानी है, मुद्दे सिर्फ इतने हैं कि आदमी स्माइलिंग हो, आप देखता हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, उसके दिमाग में एक प्लान हो, पुनस हो, तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको भी ये एक्सपीरियंस होगा। और बिजनेस के अंदर फिर क्या जरूरत है, बिजनेस जब आप शुरू करते हो प्रॉब्लम्स नहीं आते, कितने सारे प्रॉब्लम आएंगे आपके पास बिजनेस में। ऐसा मैं समझता हूँ, मैं करीबन 45 साल से व्यापार कर रहा हूँ, मुंबई में आए हुए मुझे 50 साल हो गए, मैंने 7 साल नौकरी किया, तो करीबन 43 इयर्स मेरी कंपनी पुरानी है, कई सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरी फैमिली भी साथ में है, लेकिन उस समय तो मैं अकेला था। इतने सारे प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन निकल जाते हैं अगर आपने ठान के लिए रखी है। अब उसके अंदर में वापस ईमानदारी आएगी, सच्चाई। कहीं पर भी आप टेम्पररी झूठ बोल लोगे तो ये झूठ आपको बहुत भारी पड़ेगा। सच्चाई होगी
आपको टेम्पररी तकलीफ आएगी लेकिन उसका सॉल्यूशन निकलता चले जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट का बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कितना भी बड़ा मिल ओनर हो, कोई भी हो, आपको सच्चाई पेश करने में जितना मजा आएगा उतना किसी चीज में नहीं आएगा। दूसरी बात पंक्चुअलिटी, मैंने देखा है कि कोई आपको बोलता है कि साहब आप निजामबद्ध, मुझे हमारे नुमन में बोलते कि निजामबद्ध कब आओगे, मैं अगर उनको ये बोलता हूँ ठीक है अगले महीने आता हूँ, उनको मेरा स्वभाव मालूम है, बोले पेपर निकालो तारीख बोलो, अगला महीना तो अगला 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 चले जाते, कई महीने चले जाएंगे, फिर मैं अपना पेपर निकालता हूँ, मैं तारीख फिक्स कर लेता हूँ, मैं ये तारीख को इतने बजे आऊंगा और नेक्स्ट डे उस दिन रात को हैदराबाद जाके सो जाऊंगा और मैं फिर मुंबई जाऊंगा। ये पंक्चुअलिटी हुई मेरे इंडस्ट्रीज के अंदर, मेरी पंक्चुअलिटी बहुत फेमस है और मेरी सफलता जो आज जितनी भी मैंने पाई है उसमें पंक्चुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है। कई लोग ऐसे ठीक है परसों तरसों मिलते हैं, परसों या तरसों ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, परसों तो अच्छा परसों कितने बजे कहाँ, अगर वो फाइनल नहीं हुआ तो ये समझिए कि आपके वायदे ही वायदे होंगे, तो आप उसको आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सब चीज का एक समय और बिल्कुल आपको पक्का कर लेना चाहिए, तो ये एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपको जो मुद्दे मुझे दी गए थे उसमें से एक दो पॉइंट्स है, पॉजिटिविटी, कि भाई देखिए हम ये बातें तो बहुत लोगों ने आपसे की होंगी जितने भी सेमिनार आपके रहते, तो कभी भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में एक बहुत छोटे सा एग्जांपल दूंगा कि जो सोचो वो ही होता है। कोई बच्चे को या किसी आदमी को, हमारे दोस्त को सिगरेट पीने की बीमारी थी, वो पीता था और कभी भी डरता था, भैया पिताजी आ जाएंगे तो, और वाकई में एक दिन ऐसा बोला और पिताजी आ गए। ये नेगेटिव एग्जांपल है लेकिन जो सोचो वो होता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं कि यक्ष नाम का एक भगवान है, वो 24 घंटे में एक पल जो सेकंड से भी शायद छोटा होता है, आपका उनका दिमाग से मिलन होता है, वो पल के अंदर आप जो भी सोचो वो सच होता है। तो 24 घंटा क्यों ना पॉजिटिव सोचे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने देश के लिए, जो भी सोचो थोड़ा अच्छा सोचो। कब यक्ष का मिलन कौन से फल में होगा ये नहीं पता है, तो कई लोग नेगेटिव ही मिलते हैं हमेशा, नहीं साहब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो आदमी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। अब करो, मैं बहुत ही छोटे से गाँव में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के नजदीक में चुए नाम का गांव है, मैं आज से 25-30 साल पहले वहां गया, मेरा एक कस्टमर वहां पर, एक बिल्डिंग थी छोटे से गांव में, तालाब के बाजू में एक बिल्डिंग, दो मंजिली तीन मंजिली बिल्डिंग में कपड़े की दुकान थी, पायजामा टोपी पहन के आदमी था, ये सेठ था, शर्ट पायजामा टोपी महाराष्ट्र, मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने पूछा बैठा उनके साथ कि साहब आपने ये दुकान कैसे किया, उन्होंने एक जो मंत्र दिया वो मंत्र मुझे आज तक याद है, मैं कभी भी ये मंत्र अपने दिमाग में रखता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं एक शेतकरी, मतलब खेती का फार्मर का बेटा, पढ़ाई कुछ नहीं किया, हमारे घर के बाहर एक दर्जी बैठता था, वो मशीन पे कपड़े सीता था, मैं बैठता था, मैं सोचता था कि मैं भी कपड़े का काम करूँगा, और जैसे ही बड़ा हुआ तो मैं कोल्हापुर गया, बाबूजी से 2-3 रुपया लिया, वहाँ से कपड़े लिए और गांव गांव में फेरी करके वो कपड़ा बेचा और आज धीरे धीरे इतनी बड़ी दुकान हुई। ये तो सब ऐसी कहानी तो बहुत होगी। उन्होंने जो मंत्र दिया मराठी में है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा उसका मतलब, केलावर होते, मराठी में ये मंत्र है केलावर होते, उसका मतलब है किया तो होगा, करोगे तो होगा। ये मंत्र मैंने इतने सालों से संजो के रखा है, तो मैंने देखा है कि हम करेंगे ही नहीं तो कैसा होगा। अभी मेरे बारे में बता दिया कि हमारे गांव में हमने एक हॉस्पिटल खोली है, एक हॉस्पिटल, आज इतना वक्त नहीं है कि मैं हॉस्पिटल की फिल्म बताऊं आपको, करीबन 800 पेशेंट एवरी डे वहां पे आते हैं, डायलिसिस 15 लोग डायलिसिस लेते हैं, कम से कम 5 डिलीवरी होती है, 150 बच्चे का इलाज होता है,
ओपीडी होती है, फिजियोथेरापी होती है, दवाइयां फ्री है, खाना फ्री है, सब कुछ फ्री, एक पैसा नहीं लिया जाता। आज से 3 साल पहले हमने 4 दोस्तों ने मिला के हॉस्पिटल शुरू किया। आप सोचोगे इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मुश्किल नहीं है। आज हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमने अभी डोनेशन लेना बंद कर दिया। सच्चाई हमारे साथ, मैनेजमेंट हमारे साथ। तो कहना यह चाहता हूँ कि केला और गोती आप करोगे, उस समय हम सोचते रहते कौन जमीन देगा, कहाँ से बिल्डिंग लाएंगे, कहाँ से मशीन लाएंगे, कहाँ से डॉक्टर लाएंगे, तो आप रोते रह जाओगे। आप शुरू करो, सब चीज अपने आप, अगर आप में ईमानदारी, मेहनत करने का हौसला है तो सब चीज अपने आप के अंदर में आ जाएगी। तो ये जो पॉजिटिविटी सोच की बात है और जो करके ठान लिया वो करना है, वो काम करोगे तो आपको लाइफ में डेफिनेटली सफलता मिलेगी। संगीत की बात करूं कि आपके बच्चों, आपके छोटे भाई जो भी होंगे, उनमें एक ना एक शौक उसमें जरूर डालिए। या तो बोलने का शौक हो, या लिखने का शौक हो, या पेंटिंग का शौक, या गाने का शौक। ये सब शौक बहुत काम आते हैं। मैंने जैसे बताया कि गाने का शौक मुझे कहाँ पे काम आया, मैं पुराम एम्पोरियम कपड़े की दुकान में बेडशीट टॉवल के काउंटर पे सेल्समैन था। उसमें एक आदमी आया, वो ऐसे ही तबला जैसे बजा बजा के बोल रहे, ये बेडशीट दिखाऊं, ये बेडशीट दिखाऊं। सब आप संगीत से ताल्लुक रखते हैं? बोले हाँ, मेरे ऑर्केस्ट्रा यहाँ गैलोड रेस्टोरेंट में चलता है। गैलोड रेस्टोरेंट बाजू में, वो हमारी कपड़े की शॉप के बाजू में गैलोड नाम की रेस्टोरेंट। बोले मेरे साथ, मुझे भी संगीत का बड़ा शौक है। बोले आ जाओ। बोले मैं तो सब हॉस्टल में खाना खाना नहीं आ सकता। बोले कोई बात नहीं, तुम रात को 9 बजे आ जाओ, उनको बिठाऊँ। मैं रात को 9 बजे गया, एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, एक आदमी गाना गा रहा था, एक पीटी बजा रहा था, एक तबला बजा रहा था, उसमें कीबोर्ड वगैरह नहीं होता था। तो जैसे ही उसने गाना शुरू किया, वो एक आध पंक्ति गाई होगी, वो जो मुझे लेके आया था वो मुझे बाहर लेके गया, दरवाजे के बाहर। बोले कैसा लगा यहाँ पे? अगर वापस सच्चाई, साहब सच्ची बात बताओ, मैं उनसे बेहतर गाना गा सकता। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम गाते हो? यहाँ सुनाओ। मैंने गेट के बाहर उनको एक पंक्ति सुनाई, वो पंक्ति इतनी उनको पसंद आई, उन्होंने बोला कि गाओगे? हाँ गाऊंगा। तुरंत जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, अनाउंस किया कि एक नया फ्रेश सिंगर आया है, आज पहली बार वो आपके सामने गाना गाएगा। वो मैंने गाना शुरू किया, 10 रुपया मिलता था 3 गानों का। मैं डेली 9 बजे जाता था, वो खाना खिलाता था रेस्टोरेंट में, 9 से 11, 11:30 बजे तक बैठता था और 3 गाने गाता था, और लोग खुश होकर 5 रुपया बख्शीस देते। आज भी मैं सोशल सिंगर हूँ। हमारे दोस्त, यार दोस्त की पार्टियों के अंदर, हमारे कंपनी की कॉन्फ्रेंस में लोग मुझसे एक दो पंक्तियाँ गवाते हैं, वो मेरा सोशल एक प्लस पॉइंट हो गया। तो आज वो एक्टिविटी जो है, कोई ना कोई एक्टिविटीज आपको कहीं ना कहीं रंग लाएगी। और गाने संगीत में तो वो जादू है कि आदमी का मन जो है तर बतर हो जाता है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपके बच्चों को, आपके छोटे भाइयों को जो भी है, उनको कोई ना कोई शौक आप पैदा करिए, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। मुझे इसमें ये दिया गया कि ड्रीम्स एंड ब्राउंडीज की बात मैंने कह दी है, मोटिवेशन की बात मैंने करी है, भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये भी मैंने बताया कि मुझे तो विरासत में देवानंद जी ने दिया और मैं कपड़े की लाइन में आ गया। मेरे हमारे पूरे खानदान में किसी ने कपड़े का व्यापार ही नहीं किया था। हम लोग तो बिल्कुल सादे आदमी थे। इनोवेशन जो है बहुत बड़ा काम करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्यापार के अंदर आप कुछ नया नहीं करोगे। मुझे दूसरे इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि हरीश भाई इज ए क्रिएटर। मुझे अपनी बात करनी पड़ती है मेरी बात समझाने के लिए। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सबसे पहला आदमी हूँ जो छोटे से छोटे गांव के लोगों को मैंने फॉरेन घुमाया। मैंने स्कीम की शुरुआत मैंने करी 1994 में। सबसे पहले मैं 150 लोगों को बैंकॉक सिंगापुर लेके गया।
उसके बाद 31 कंट्री में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है. हिंदुस्तान के बड़े से बड़े रिटेलर हमारे साथ आते हैं. वो मेरा इनोवेशन है. लास्ट ईयर 350 लोगों को लेकर यूरोप जाके आए हम लोग. तो इंसेंटिव देते हैं, लोगों को घुमाते हैं, हमारा रिलेशन बढ़ता है, हमारा व्यापार बढ़ता है. वो एक इनोवेशन. उसके अलावा जो व्यापार आप काम करते हो, वो व्यापार के अंदर वो क्वालिटीज उसमें अंदर घुस के इनोवेशन करना पड़ता है. प्रेजेंटेशन का इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता हूँ. कि दो लड़कियां लड़की समझो, यंग लड़के लड़की है, तो बोलते हैं कि कोई वो कौन सा सलमान खान की कौन सी पिक्चर थी जिसका गाना बहुत फेमस हुआ था? दबंग. नहीं, हाँ दबंग का एक गाना था ना, तेरे मस्त मत. हाँ तेरे मस्त मत. तो जैसे लड़का लड़कियां घूमते हैं कि यार तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत है, मैं तो तेरे पे मरता हूँ, ऐसे बातें करते हैं. लेकिन इसी अंदाज को जब गानों के रूप में पेश किया जाता है तो वो रूप इतना बदल जाते हैं. तेरे मस्त मस्त तो नैन मेरे दिल का ले गए चैन. ये गाना हो गया हर आदमी की जबान में आती है. खंडा क्या है, पोएट्री है, वो भी सबको याद है. वो पेश करने की जो कला है, प्रेजेंट करने की कला है. आज जो मैरिड आदमी है यहाँ पर, आज शाम को घर जाके आज वाइफ को पूछो, आप अपनी वाइफ को कैसी हो, आज दिन कैसा गया. 99% लोग नहीं पूछते. कोई पूछता है तो अपना हाथ खड़ा करे, एक भी नहीं करे. आज जाके चेंज करो, आप पूछो आज कैसा दिन कैसा गया, बच्चे सब बराबर स्कूल गए, जो है तो नहीं. देखिए वो आपको जो खा, आपको भी आज तो यहाँ खाना है, कल से ट्राई करो. वो खाली खुद अपने साड़ी से या नैपकिन से पोंछ के परोसेगी, खाली अपने हाथ से खाना परोसेगी. और वो नजर से देखेगी जो नजर से शादी के 1-2-3 महीना ही देखा होगा. तो ये प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन कैसे मिलता है, वो मोहब्बत से मिलता है. तो ये जो आप देते हो वो आप पाते हो. प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फिल्म के अंदर है. तो सभी फिल्म के अंदर ये प्रेजेंटेशन है. तो आपको फैमिली को भी थोड़ा हंस के खुश करके बात करोगे, आपकी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी. मैं अपने सेल्स लोगों को समझाता हूँ. हमारे कपड़े के सेल्समैन सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं. सवेरे 10 बजे से रात को 9-10 बजे तक वो बेचारे मेहनत करते हैं. और वो जब घर जाते हैं तो उसमें कोई सुध बुध नहीं होती है. तो मैं उनको ये सिखाता हूँ कि आप घर भी जाइए, बाल बच्चों को थोड़ा 5 मिनट बैठिए और आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलती है. और मैंने अनुभव किया है कि लोग आके बोलते कि नहीं साहब हमने चेंज किया, तो उससे हमारी लाइफ काफी बेहतर हुई. कंपटीशन, कंपटीशन तो हर बिजनेस में है. मैंने आपको बताया कि आपको इनोवेशन करना पड़ेगा. इनोवेशन से आधी कंपटीशन खत्म हो जाती है. लेकिन मैं एक बार और बताऊंगा, एक कदम आगे आपकी जो सोच है वो आज की नहीं होनी चाहिए, यस्टरडे की तो होनी ही नहीं चाहिए. आपकी सोच परसों की होनी चाहिए कि परसों क्या होने वाला है. आज हम टेक्सटाइल में है तो हम सोचते हैं कि आज ये चल रहा है, कल वो चलेगा, परसों क्या चलेगा, परसों लोगों की पसंद कैसी होगी, वो सूट पहनेंगे या मोदी बंडी पहनेंगे या सफारी पहनेंगे या सलवार पहनेंगे या शेरवानी पहनेंगे, ये हम सोचते हैं. जो भी बिजनेस में आप हो, वो बिजनेस में इनोवेशन कंपटीशन रोकने का सबसे बड़ा हथियार है. दूसरी बात, आप सोचो ही मन की कंपटीशन है. आप कंपटीशन में घुस के अपनी पॉलिसी को जिस दिन डिली करने लग गए, उस दिन आप गए काम से. जो ग्राहक है वो उंगली दो तो पोचा पकड़ता है. आप मुझे नहीं पता आप कौन से बिजनेस में हो, क्या करते हो, लेकिन कोई भी बिजनेस के अंदर जो पॉलिसी आपने बनाई, वो पॉलिसी के अंदर आप बड़ी सोच के बनाओ, कस्टमर फ्रेंडली बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, मार्केट की कंपटीशन देख के बनाओ. लेकिन एक बार बनाने के बाद किसी एक ग्राहक के कहने से वो पॉलिसी बदलो मत. उसको अड़ करो, वो चला जाएगा, कोई बात नहीं. आज की बात कर रहा हूँ मैं. आज मुझे एक मैसेज आया, गुवाहाटी में हमारा एक कस्टमर था, बहुत बड़ा माल लंबा माल लेता था, लेकिन उसका पेमेंट हिला था तो मैंने बंद कर दिया. मैंने बोल दिया भाई हम आपसे काम नहीं करेंगे. तो आज से 10 दिन पहले हमारे एजेंट का फोन आया कि साहब वो माल मांगता है वापस. मैं बोला उससे लिख के लो कि मैं 30वें दिन आपका पेमेंट दूंगा तो ही हम माल देंगे. तो आज
उसने लेटर लिख के मुझे दिया कि श्रीमान हरीश भाई मैं आपकी कंपनी का माल लेना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ वापस, मैं 30 दिन में आपका पेमेंट दूंगा। कपड़े में ऐसा नहीं होता है, आप किसी को भी बोलो हमारी मार्केट की हालत इतनी खराब है कि कोई ऐसा बोलेगा तो ये बात कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि ग्रज सिर्फ बेचने वाले को नहीं होती है, 60-40 होता है, 50-50 होता है, ग्रज दोनों को होती है। जो भी व्यापार में आप होंगे, जो पॉलिसी बनाओ वो एक बार सोच समझ के बनाओ, उसके बाद कितनी भी कॉम्पिटिशन आ जाए आप हिलो मत, 2 महीना 4 महीना 6 महीना कोई तकलीफ आएगी। कॉम्पिटिशन को फेस करने का सिर्फ डिस्काउंट या भाव कम करना राइट तरीका नहीं है, इनोवेशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन बेहतर बनाना पड़ेगा और आपको अपनी पॉलिसी पे लोगों को विश्वास भी लेना होगा। तो ये कॉम्पिटिशन फेस करने का मेरी नजर में ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक पॉइंट इसमें ये देखो भाई, सम प्रिंसिपल दैट व्हेन यू गो बैक व्हेन यू आर डिस्ट्रेस, सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रेस होता ही नहीं, पता नहीं मुझे क्या है, ऐसा दिन कभी नहीं आया। और फिर दो चार दोस्त होते हैं लाइफ में पर्सनली, एक जगह निधा भारती साहब ने लिखा है कि घर की तामीर चाहे कैसी हो, तामीर मतलब डिजाइन, घर में इंटीरियर आप कितना भी बना लो, घर की तामीर चाहे कैसी हो उसमें रोने की एक जगह रखना। आदमी ने घर के कोने में बैठ के 5 दिन 15 दिन महीने दिन में अकेले अकेले रो लेना चाहिए, सारे दुख दर्द निकाल देने चाहिए। तो कभी ऐसा कभी मेरे साथ तो बड़ा कम होता है, तो अगर होता है तो यार दोस्तों के साथ जाके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, फोन पे बातें करते हैं, दुख अपना हल्का हो जाता है। तो ऐसा कभी होता नहीं है मेरी लाइफ में, ये सारी बातें मैंने आपसे करी। इसमें लास्ट में मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, आप सोचोगे कि ये हरीश भाई जो मेहता है वो तो सारी पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छी बातें, लेकिन मैं यहाँ पे कबूल करना चाहूंगा कि कुदरत मेरे पे बहुत मेहरबान रहा, मैंने जब से होश संभाला सब अच्छा ही अच्छा होता गया। दुख दर्द आते हैं, कई प्रॉब्लम्स आते ही है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो तुरंत मिल जाता है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको आखिर में बोल के मेरी बात पूरी करूंगा, उसके बाद किसी को कुछ बातचीत करना है समझना है तो मैं वो बात करूंगा। पर्वत पे एक बाबा जी आए थे, लोग बोलते हैं बाबा जी जितना भी बोलते हैं जो भी करते हैं वो सब सच होता है। दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने ठान लिया कि आज तो हम बाबा जी को उल्लू बनाएंगे। बोले कैसे उल्लू बनाएंगे? बोले हम हमारे हाथ में एक पंछी लेंगे और बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी को पूछेंगे कि बाबा जी हमारे हाथ में पंछी है, आप बताओ कि जिंदा है या मुर्दा। बाबा जी बोलेंगे मुर्दा है तो हम उसको उड़ा देंगे, और बाबा जी बोलेंगे जिंदा है तो हम उसको कुचल देंगे। तो दोनों केस में बाबा जी गलत हो जाएंगे। बच्चे कहे मेरे ख्याल से बाबा जी बताओ हमारे हाथ में बच्चा है जिंदा है या मुर्दा। बाबा जी तो बाबा जी थे, उन्होंने बताया बच्चे जो भी है तुम्हारे हाथों में, सब चीज हमारे हाथ में। एक और बात, इस बात से जुड़ी हुई बात बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि इतने अच्छे ऑडियंस है, सब यंग लोग है। मैंने पॉजिटिविटी बात करी उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बात करता हूँ। दो लड़के, एक पतला सा एक मोटा सा, जंगल में गए घूमने के लिए, गांव से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर। उसमें मोटा लड़का एक गड्ढे में गिर गया और वो छोटा लड़का उसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया, चिल्लाया हेल्प हेल्प मदद करो मदद करो, लेकिन कोई नहीं था। वापस उसने एक बार और मेहनत करी, नहीं निकला। फिर उसने अगल बगल नजर डाली, एक डोरी निकाली, वो डोरी से खींचना चालू किया, फिर भी नहीं निकला। वापस उसने आवाज देना शुरू किया लेकिन 1-1.5 किलोमीटर तक कोई इंसान की शक्ल नहीं दिखती थी। लास्ट में उसने बोले एक ट्राई और मारता हूँ, और छोटे बच्चे जिसका वजन 30-35 किलो होगा और जो अंदर था उसका वजन मेरे जैसे 70-75 किलो का था, उसको जोर से बाहर निकाला। अब आप कहोगे कि कैसे निकला, ठान लिया इसलिए निकला। हाँ, ठान लिया तो काम होता है। उससे भी बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि उसके अगल बगल में 2 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं था उसको बोलने वाला कि तू फालतू मेहनत करते हो, तुम्हारे से ये काम नहीं होगा, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। तब आपके अगल बगल में 1 किलोमीटर दूर तक भी कोई नेगेटिव आदमी को मत आने दो, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा। Thank you very much.